बुद्धिमान लोग हैं, सिर्फ बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को समझ पाएगा। भाई यजंती सुमेध समय के भागवत कह दिया है ना। और गीता में तो कई जगह भगवान कृष्ण ने स्वयं ने कहा है कि कम बुद्धि वाले देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, कम बुद्धि वाले सब चीजों में फंसे हैं, ठीक है। और सबको जाना है भगवत धाम, लेकिन भगवान ने कहा है कि जो मेरी जो जिसकी पूजा करेगा वहां जाएगा, सीधा बात है, वे क्लियर है। इसमें कोई मतलब ये सब चीजें बहुत सिंपल है, लेकिन अब बुद्धि हो तब तो समझ में आए, बुद्धि तो है नहीं, मूर्ख है तो कैसे समझ आएगी। जैसे आपने वीजा लगाया अमेरिका गवर्नमेंट को, तो आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं क्या? मतलब लोगों को, कई लोग ऐसे बोलते हैं, अरे सब एक ही है, किसी कुछ भी करो सब तो एक ही है, बाद में सब एक ही जाना है, सब एक ही, सब रास्ते एक ही तरफ जाते हैं, ऐसे सुना होगा आप लोगों ने। ऐसे कैसे जाते हैं? दिल्ली का टिकट लिया, दिल्ली वाली गाड़ी में बैठे चेन्नई पहुंच जाएंगे क्या? मतलब बेवकूफी की भी हद है। मतलब आपने ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट को वीजा का रिक्वेस्ट दिया और आप पहुंच गए अमेरिका एयरपोर्ट पे, लैंडिंग कर ली, बोले वो हमने जी ऑस्ट्रेलिया का वीजा निकाला था, तो बोलेंगे हम अमेरिका का आया गई, बोले वो जो एक वीजा है वो तो सब जगह चलता है, दो थप्पड़ मार बाहर निकलवा देंगे। तो जहां का वीजा लगाओगे वहीं तो जाओगे, ऐसे चले जाओगे सभी। तो गीता में इस बात को बताया गया है। अच्छा, जिन लोगों को वीजा नहीं लग रहा हो, गीता पढ़ लें तो पता चल जाएगा वीजा कैसे लगा। भगवान गीता में कह रहे हैं कि अगर आप पितरों की पूजा करोगे तो पितर लोग जाओगे, देवताओं की पूजा करोगे देव लोग जाओगे, गंधर्वों को जिसकी पूजा करोगे उसके लोक में जाओगे, जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं भूत प्रेतों के लोक में जाएंगे, और जो मेरी पूजा करेंगे वो मेरे धाम आएंगे। इनमें समझने में दिक्कत कहाँ हो रही है? लेकिन फिर भी अल्पज्ञ लोग नहीं समझ पाएंगे, जो कम बुद्धि वाले हैं वो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। ये जो ध्यान से समझने वाली चीज है ये मिस हो जाएगा, क्योंकि बार बार इसको बताया जा रहा है गीता में भी भागवतम में कि ये बुद्धि वाला ही समझ पाएगा, क्योंकि ये चीजें गीता में लिखी। कितने लोग हैं जिनको गीता बाई हार्ट, मतलब उन्होंने पूरी गीता याद कर रखी है, पूरी गीता याद कर रखी है, लेकिन पूरी गीता रोज पढ़ते, कई लोग पूरी गीता रोज पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनको नहीं समझ में आ रहा है। गीता में साफ साफ लिखा है सततम कीर्तयन्तो माम, कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा कीर्तन करो, कब? सततम माने करते रहो, सतत माने होता है 24 घंटे करते रहो, और उसको नहीं समझ में आ रहा है। वो लगा है अगरबत्ती घुमाने, है कई तो महान हुआ और भी जगह जाने लगे, अब क्या बताएं। कई जगह जाते हैं सोचते वो बाबा वहां वाले, बाबा वहां वाली ये वहां वाली वो, और गीता पढ़ते हैं, ठीक है, फिर भी उनको नहीं समझ आ रहा है, मिस हो सकती है, ठीक है। इसलिए भगवान ने, भगवान पता था कि मिस हो जाएगी, इसलिए बार बार कहा है ना। भगवान ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी गीता में, हर बात कब एक बार बोली, और सबसे महत्वपूर्ण बात दो बार बोली, दो बार बोली तब तो समझ ले भाई दोबारा रिपीट हो रही है बात, जरूरी होगी। लेकिन नहीं, क्या बोला? मन मना भव मत भक्तो मत त्याजी माम मनस, ये भगवान ने बोला है दो बार, 9वें अध्याय में 18वें अध्याय में। मैंने जो आपने वो खाई है, जब हम छोटे थे तो एक लेयर्स आती थी, एक अभी आती मालूम नहीं, एक लेयर्स आती थी, उसका टीवी में एडवर्टाइज आता था कि उसको ऐसे खोलो तो अंदर उसके अंदर बहुत कुछ एक भरा रहता था जो ज्यादा मीठा होता था, तो कहते थे उसको जो असली मजा है वो सेंटर में है ना। एक सेंटर फ्रेश भी आती थी, जब मैं 5th या 6th क्लास में पढ़ता था तो वो सेंटर फ्रेश आती थी, उसको खोलो उसके बीच में कुछ ऐसे भरा रहता था जो मिंट विंट टाइप का। तो ज्यादातर जो बढ़िया चीज है ना, सबसे ज्यादा आनंद देने वाली चीज है, वो सेंटर में होती है। तो ऐसे ही गीता में भी सबसे सेंटर में 18 अध्याय है, 9वें अध्याय बीच में आ गया, और 9वें अध्याय के बीचों बीच जो बात बताई गई है वो ये है कि मन मना भव
मद भक्तो मद्याजी माम भंज। कृष्ण हमको उपदेश दे रहे हैं चार चीज करो, मन मना मतलब मन मुझ में लगाओ। अब मन लगा रखा है हमने टिकटॉक में तो कृष्ण कहाँ से मिलेंगे फिर, तो कोई चाइनीज ही मिल जाएगा हमको। कृष्ण जो गीता में भगवान ने कहा जिसकी पूजा करोगे उसके धाम जाओगे, ज्यादा चाइनीज की पूजा करोगे चाइना चले जाओगे, ठीक है तो भगवान कह रहे हैं कि मन मुझ में लगाओ। लेकिन कई लोगों का मन पता नहीं किस किस चीज में लगा रखा है, धन दौलत पैसा है ना। और कई लोग तो जो कर्मी लोग हैं वो दिन में लगाते हैं भाई मन, धन में, दौलत में, लड़की में, बिल्डिंग में, गाड़ी में, इसमें मन लगा। थोड़े जो ज्ञानी टाइप है ना वो काय में मन लगाते हैं किसी बिंदु पे। कई लोगों को सिखाया जाता है कि आप एक डॉट बना लो दीवार में काले रंग का, उस पर मन लगाओ। अरे उससे क्या मिलेगा भाई, उस काले बिंदु पे लगे पड़े हैं। जब भगवान ने साफ साफ कहा मन मना, मन किसमें लगाओ, मुझ में लगाओ। अब इसमें समझने में क्या दिक्कत है मेरे को, मतलब तो सीधी बात है लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं कि बुद्धिमानी समझेंगे। मन मना, मन मुझ में लगाओ। मन मुझ में कैसे लगे, नाम का जप करके, कथा सुन के, कीर्तन सुन के मन लगेगा कृष्ण में। फिर दूसरी बात कह रहे मन मना भव मद भक्ता। तो कोई कहे भैया मन नहीं लग रहा, मन जो है आप में नहीं लग सकता हमारा, क्योंकि हमारा मन तो बहुत ही खतरनाक है, दुष्ट है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी श्री प्रभुपाद वो क्या कहते थे कि मन को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है सुबह उठो। सही में कहते थे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कहते तो सुबह उठो और जूता ले और अपने सिर में मारो 50 बार, और शाम को सोने से पहले एक झाड़ू लेके अपने सिर में मारो 20 बार, तो मन जो है नीचे आएगा, नहीं तो मन ऐसी भौतिक चीजों में उड़ता रहेगा। फिर भी अगर कोई कह रहा है कि भैया मन नहीं लग रहा है कृष्ण में, तो भगवान ने कहा अच्छा मन नहीं लग रहा है, मद भक्त मेरे भक्त बन जाओ। भक्त कैसे बनते, बोले श्रवण कीर्तन करके। क्यों, वही तो श्रवण कीर्तन तो नवदा भक्ति है, भक्त बन जाओ। बोले वो भी नहीं बन पा रहा, मन मना भो मद भक्त मध्या जी। बोले भक्ति भी नहीं कर पाता, तो फिर बोले अच्छा मेरी पूजा करो, घर में विग्रह बनाओ, पूजा करो, वो और थोड़ी कठिन है। तो पूजा करने का तो समय नहीं है, क्यों समय नहीं है, पूरा पूरा टाइम ऑफिस में काम है, ऑफिस से आओ तो वर्क फ्रॉम होम है, उससे फुर्सत मिले तो पत्नी नहीं छोड़ती है, उससे फुर्सत मिले तो बच्चे नहीं छोड़ते हैं, है ना। और कई महानुभावों की घर में भी पत्नी है बाहर भी अफेयर है, तो घर की पत्नी से फुर्सत मिलती है तो बाहर वाली फोन कर लेती है, तो इतना बिजी आदमी है क्या करे, कहाँ से पूजा करे कृष्ण की ना। कई लोग हफ्ते में एक आध दिन मंदिर चले जाते हैं तो एहसान फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह 10 लोगों को बताएंगे आज मंदिर गया था जी, तो वो भी नहीं। तो भगवान कह रहे हैं जब भैया मन नहीं लग रहा तो भक्त बन जाओ, भक्त नहीं बन सकते तो पूजा कर लो, वो भी नहीं कर सकते तो माम नमस्कार है, नमस्कार तो कर सकते हो। मतलब भगवान इतना बिजनेस कर रहे हैं, तो जब बिल्कुल धंधा खराब होता है किसी का तो कहता है यार 50 में ले लो, नहीं नहीं अच्छा चलो शाम हो रही है घर जाना है तो 20 रुपए किलो ले जाओ, अच्छा 10 ही में ले जाओ भाई। तो भगवान करे कुछ नहीं कर सकता तो नमस्कार तो कर सकता है, माम नमस्कार। लेकिन कलयुग का आदमी इतना गया गुजरा है कि वो नमस्कार भी नहीं करता, मंदिर जाके नमस्कार भी नहीं कर सकता। नमस्कार भी आजकल बस इतना करते हैं लोग, इतना ही भी नहीं करते कई तो। तो भगवान कह रहे हैं कि चार में से एक काम भी कर लो तो मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, मैं तुम्हारा प्रिय फ्रेंड हूँ, तुम्हारा सुहृद हूँ, तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र हूँ, तुम एक भी काम कर लो मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। और ये बात भगवान ने गीता में 2 बार कही है, सिर्फ यही बात है जो 2 बार आई है, लेकिन फिर भी मूर्खों को नहीं समझ में आ रहा है इसलिए भगवान बार बार कहते हैं कि भैया
बुद्धिमान है वही समझेगा। और फिर भगवान ने सोचा शायद लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ अभी भी है कि ये करूं कि वो करूं, है ना। आपने तो कह दिया मन मुझ में लगाओ, लेकिन मेरे पत्नी है, उसकी जिम्मेदारी है, बच्चे हैं, घर है, गृहस्थी है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, सब पे अपडेट करने रहते हैं, फिर न्यूज चैनल सुननी पड़ती है, मोदी ने क्या कहा, वो इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, सब सुन के अपने ऊपर भी कमेंट्री देनी पड़ती है, फिर बाहर जाके पड़ोसियों से भी डिस्कस करना रहता है, तो इतना बिजी शेड्यूल है मेरा, मैं कैसे आपकी भक्ति कर लूं। और अगर मैंने भक्ति करी तो ये सब लोग बुरा मान जाएंगे। तो भगवान ने बिल्कुल शॉर्टकट कह दिया, सब छोड़ दो भाई, कंफ्यूजन हो रहा है ना बहुत, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, और मेरी शरण में आ जाओ, माम एकम। थोड़ा तो भगवान का अपना एटीट्यूड है भैया, क्या एटीट्यूड भगवान का? भगवान कहते हैं कि अगर प्रेम कर रहे हो तो मुझसे करो और सिर्फ मुझसे करो, शरण में आ रहे हो तो सिर्फ मेरी आओ, माम एकम शरणम ब्रजा, माम शरणम ब्रजा कह देते तो बहुत लोगों के लिए आसानी हो जाती, क्योंकि सोमवार को शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, मंगल को हनुमान जी के, में बुद्ध को पता नहीं किसके, में बृहस्पति को यहाँ, शुक्र को वहां, शनिवार को यहाँ, रविवार को यहाँ, सब जगह जाना रहता है, तो एक दिन कृष्ण के लिए भी ढूंढ लेते और उसमें चले जाते अगर वो कहते माम शरणम ब्रज। लेकिन अब कृष्ण ने भी थोड़ा अपना ईगो लगा दिया कि माम एकम, मेरी केवल मेरी, मेरी और केवल मेरी शरण में आओ और कहीं भी मत जाओ। तो अगर तुम ऐसा करोगे आम काम सर पाप है, जो भी तुम्हारे ऊपर पाप है सब खत्म कर दूंगा, डरो मत। भगवान का सीधा साधा फंडा है, सब छोड़ दो, कोई चक्कर में मत पड़ो किसी के, यहाँ वहां कुछ नहीं, और डरने वाली कोई बात है नहीं, मैं हूं ना, ठीक है, भगवान ने कहा है। लेकिन भगवान ने कहा है माम एकम, सिर्फ मेरी शरण ले, कंडीशन है। सब जगह नहीं जाके भैया की, यहाँ भी गए वहां भी गए, कुछ एक डॉक्टर ऐसे होते हैं 25 डॉक्टर की दवाई खाओगे थोड़ी काम करेगी, एक डॉक्टर करना है। तो भगवान कहते सिर्फ मेरी जगह, मेरी शरण में आओ बस, बाकी किसी के मत जाओ, और अगर ऐसा करोगे तो सब पाप खत्म कर दूंगा तुम्हारे, और तुमको मैं बचा लूंगा, इस भौतिक जगत से निकाल लूंगा। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, प्रभुपाद की जय, ग्रंथराष्ट्रम भागवतम की जय। 7 बज चुका है, 31वां श्लोक कल करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, कोई बोल रहा है, एक सेकेंड, आप अपना माइक खोल के बोल सकते हैं अगर कोई बोल रहा है। ओके, कोई प्रश्न नहीं है तो ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कुछ बोल रहे हैं क्या आप लोग? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, एक सेकंड, लेट मी चेक, सुनाई देना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा, अगर कोई प्रश्न है तो आप बाद में मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ठीक है, एक सेकंड, प्रश्न तो है, इतना बड़ा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्म कांड, ज्ञान कांड एंड उपासना कांड, दिस इज कृष्णन मर्सी वेटिंग, यहाँ पे प्रश्न आ रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे साथ बुरा हुआ है, हमारा कुछ नुकसान हुआ है, तो कृष्ण की कृपा है या हमारे पाप कर्म का रिजल्ट है। तो ये वैसे तो हम सीधा साधा शॉर्टकट ये कि गुरु जी के पास जाए और गुरु से पूछे कि हमारे जीवन में ऐसी घटना घटी है, इसको हम क्या समझें, इसको हम कृष्ण कृपा समझें, इसको हमारे पिछले पाप कर्मों को का फल समझे। आज तो 7 बज गया है, तो
मैं आपको शॉर्ट में आंसर दे देता हूँ, पर इस आंसर के साथ एक बहुत अच्छी कहानी है, बिल्कुल सत्य घटना, जो अभी भी है, एक व्यक्ति जो अभी जिंदा है उस व्यक्ति की घटना मैं आपको कल बताऊंगा, अगर कोई याद दिलाएंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो वैसे अपने जो मैंने बात बताई ना कि अपने गुरु से पूछना चाहिए, तो गुरु से पूछेंगे इस बात पर आधारित एक घटना है, वो मैं आपको कल बताऊंगा, आप मुझे याद दिलाएंगे तो बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका है हमारे गुरु जी के पास जाइए और गुरु जी से आपने पूछिए, वो तो बता देंगे कि ये कृष्ण कृपा है या ये आपके पिछले पाप कर्म का फल है, ठीक है। और एक और चीज होती है कि जो है आपको अगर कृष्ण की कृपा होगी तो कृष्ण मन में आपको ऐसा विचार भी देंगे, अंतर मन से आपको ऐसी विचार भी देंगे कि आपको लगेगा कि ये कृष्ण की कृपा है अंदर से, ठीक है, कृष्ण खुद ऐसा विचार देंगे। लेकिन ये अंदर से जो विचार आता है, तो जो काफी एलिवेटेड भक्त है, जो उच्च श्रेणी के भक्त है, उनको समझ में आ जाता है, कृष्ण का विचार अंदर से आता है कि ये जो है कृष्ण की कृपा है, और नहीं तो नहीं आता है। फिर कुछ लोगों को आता है कि ये हमारे पाप कर्म का फल है, ठीक है। जैसे कहीं कुछ हो गया, तो जैसे किसी के घर में कोई बीमार है, अभी लाश भर्ती हो गया है, हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, तो भक्त प्रार्थना भी ऐसे ही करते हैं कि भगवान अगर आप अगर ये आपकी प्रसन्नता है इसमें, अगर इसमें आपकी प्रसन्नता है तो आप इस व्यक्ति को ठीक कर दें। भक्त ऐसे प्रार्थना करता है, भले उसके सगा संबंधी क्यों ना हो, कि कृष्ण अगर आप इसमें प्रसन्न हैं तो आप इनको इस बीमारी से ठीक कर दें, ताकि ये आपके नाम जप को कर सके, आपकी भक्ति कर सके। भक्तों की प्रार्थना ऐसी होती, भक्त की प्रार्थना ऐसी नहीं होती कह रहे भगवान इसको बढ़िया ठीक कर दो ताकि आराम से ये जो है इंद्रिय भोग कर सके, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, इसको मैं कल बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो 7 बज ही चुका है। शॉर्ट में इतना है कि यार जो कर्मी लोग होते, कर्म करके वो लोग उच्च लोकों में जाके इंद्रिय भोग लेना चाहते हैं, स्वर्ग वर्ग में इंद्रिय भोग ज्यादा है, तो वहां पे वो लोग, वहाँ टॉप क्लास की दारू मिलेगी, है वहां पे लड़कियां बहुत सुंदर मिलेंगी, उनको ऐसा लगता है, तो वहां जाना, वहां जाके वहां मृत्यु देर तक होगी, मतलब लंबी आयु मिल जाएगी, सुंदर होंगे, ये सब है ना। तो जो चीज आपको ये सिखाती है उसे कहते हैं कर्मकांड। तो वेदों का एक सेक्शन है कर्मकांड, जो ये सिखाता है कि ऐसा ऐसा करोगे तो स्वर्ग लोक चले जाओगे, है ना, ऐसे आएगा, आता है। कई बार आपने सुना होगा कि जैसे वो आता है ना कि ये कोई स्तुति आपने पढ़ी, उसके अंत में लिखा होगा जो इसका पाठ करेगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, है ना। तो इस तरह की चीजें कर्मकांड कहलाती है। और ज्ञान कांड होता है जो मुक्ति के बारे में बात करते हैं, या ब्रह्म में मिल जाना, उसे कहते हैं ज्ञान कांड। और उपासना कांड है जो भक्ति के बारे में, या देव, उसमें भी सेक्शन है अलग अलग, देवी देवताओं की उपासना करते हैं, तो सर वेदों का एक अलग अलग सेक्शन है, ठीक है। बाकी अगर आपको और डिटेल में जानना है तो फिर मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच, श्री प्रभुपाद की जय। हमारे लिए ज्ञान कांड, कर्म कांड, ये सब हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए भक्ति है, ठीक है। जो गीता भागवत में चैतन्य चेतावन में हमें जो सिखाया गया वो हमें करना है बस, और वो सिंपल है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, ठीक है। हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए, गीता भागवत पढ़िए, 4 नियम का पालन कीजिए, बस जितना प्रभुपाद ने बताया उतना करने से प्रभुपाद की गारंटी है, इनको भगवत धाम लेके जाएंगे। और कोई कुछ पूछ रहा था क्या? अभी किसी ने अपना माइक खोला था। ओके, और किसी को भी प्रश्न नहीं है ना? ओके, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।